लहर से बहुत ज्यादा सावधान रहना है और खासकर अपने बच्चों को तीसरी लहर से बचा कर रखना है। तो सबसे पहले सिंगापुर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर और उसके डिटेल्स हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। सिंगापुर से बजी खतरे की घंटी, सिंगापुर से तीसरी लहर, बच्चों को डर। सिंगापुर के नए वेरिएंट से बचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट करके सिंगापुर को लेकर क्या चेतावनी दी है, सबसे पहले आपको उनका ये बयान सुनना चाहिए। सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने का मतलब भी समझिए। केजरीवाल के कहने का मतलब ये है कि हाल ही में सिंगापुर में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है। ये वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये वेरिएंट तेजी से वहां के बच्चों को संक्रमित कर रहा है और ये वेरिएंट अगर भारत में आ गया तो तीसरी लहर का कारण बनेगा। इसलिए इस तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए हमें अब और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो फर्स्ट या सेकंड वेव से ज्यादा घातक थर्ड वेव होने वाली है अगर ये बच्चों को निशाना बनाती है। तो कारण क्या है कि हमारा आईसीयू मैनेजमेंट एडल्ट का और पीडियाट्रिक एज ग्रुप का बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे आपने देखा सेकंड वेव में एक नर्सिंग स्टाफ 20 से 30 पेशेंट्स का आईसीयू इजीली मैनेज कर लेती है, पर बच्चों को अनअटेंडेड बिना पेरेंट्स के आईसीयू के अंदर नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चे प्यार से नाक में मास्क लगा के नहीं बैठेंगे, उनको पकड़ने के लिए पेरेंट्स 24 आवर्स उनके साथ होना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने ये चेतावनी देने के साथ ही केंद्र सरकार से दो बड़ी अपील भी की है जिसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। उससे पहले आपको सिंगापुर से भारत की चिंता बढ़ाने वाली ये पूरी खबर बताते हैं। कोरोना महामारी के संकट काल में सिंगापुर को सबसे ज्यादा सुरक्षित देश माना जा रहा था। कोरोना को लेकर जितनी तबाही दुनिया के बाकी देशों में मची उतनी सिंगापुर में नहीं हुई। सिंगापुर के बारे में ये बड़ा दावा वहाँ कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण पाने के कारण किया जा रहा था, लेकिन इसी सिंगापुर में अब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप मचा है। कोरोना का ये नया रूप सिंगापुर में बच्चों को तेजी से संक्रमित कर रहा है। इसी वेरिएंट से सिंगापुर में हाल ही में 38 लोग संक्रमित हो चुके हैं जिनमें 4 छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिसके बाद यहां की सरकार ने स्कूलों को तुरंत बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसी मामले पर सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान से सुनिए। कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट बहुत अधिक खतरनाक है और ऐसा लगता है कि ये बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है। हालांकि संक्रमित हुए कई बच्चे ज्यादा गंभीर स्थिति में नहीं है, लेकिन ये हम सभी के लिए चिंता की बात है। सिंगापुर में पिछले 8 महीनों में ये कोरोना के संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद सिंगापुर में लोगों के एक जगह जमा होने और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। सिंगापुर अलर्ट हो गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी मिलने के बाद भारत में भी चेतावनी का अलार्म बजा दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि भारत में जिस तीसरी लहर की चर्चा इन दिनों जोरों पर है, वो तीसरी लहर सिंगापुर से आ सकती है। इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार से दो बड़ी अपील भी की। पहली, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों, और दूसरी, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। हम आपको ये भी बता दें कि सिंगापुर की इस खबर को दिखाने का हमारा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप डर जाएं। हम चाहते हैं कि अब आप पहले से और अधिक सावधान रहें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी बचाएं। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तीसरी लहर को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील पर केंद्र सरकार का जवाब भी आ गया है। हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में इस जवाब के बारे में बताएंगे। इसके अलावा सिंगापुर वेरिएंट से बच्चों को क्या वाकई खतरा है, इस बारे में देश के नामी डॉक्टर, स्वास्थ्य मामलों के जानकार क्या कहते हैं, उनकी बातें भी आपके लिए सुनना जरूरी है। साथ में आपको सिंगापुर के अलावा उन देशों का हाल बताएंगे जहां इन दिनों कोरोना वायरस से बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं।
ये ताइवान है। कोरोना वायरस से ताइवान को सबसे सुरक्षित देश माना जा रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते यहाँ कोरोना वायरस के 333 नए मामले सामने आए, जिसके बाद ताइवान सरकार बच्चों को लेकर चिंतित हो उठी और तुरंत ताइपे में सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। हांगकांग में क्या हो रहा है वो भी सुनिए। हांगकांग में दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट से संक्रमण बढ़ रहा है। हाल ही में यहाँ इस वेरिएंट से 4 वर्ष का एक छोटा बच्चा संक्रमित हो गया, जिसके बाद सभी स्कूलों में बच्चों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई और क्लासरूम में छात्रों की संख्या सीमित कर दी गई। ब्राजील में सबसे अधिक बच्चे वायरस की चपेट में आ रहे हैं। हाल के महीनों में ब्राजील में वुहान वायरस से 5 साल से कम उम्र के 832 बच्चों की मौत हो गई और अब सिंगापुर में नए वेरिएंट से बच्चों के संक्रमण ने भारत में खतरे की घंटी बजा दी। ये बच्चों के लिए ही ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए ये माना जा रहा है इंडिया में भी कि थर्ड वेव जो आएगी वो बच्चों पे ज्यादा हिट करेगी, एंड इसीलिए हमें अभी से अपने बच्चों को जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेट करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों को लेकर यही चिंता जताई और केंद्र से तुरंत बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अपील की। जी न्यूज ने स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी से जुड़े सवाल पूछे तो केंद्र ने दिल्ली सरकार की इस अपील पर अपना जवाब भी दिया कि अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि जो ज्यादा इफेक्ट करे, इसके ऊपर भी नजर रहनी चाहिए, नजर है और इसको हमारे जो सिस्टम थे हम इन चीजों का वॉच करते हैं, जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ द पेंडेमिक उसमें इसको वॉच करेंगे और समझेंगे और जैसी रिस्पांस की जरूरत होगी वो करा जाएगा। इस बीच केंद्र की तरफ से अच्छी खबर ये भी है कि 10 दिन के अंदर 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक हमें और आपको क्या करना है? बच्चों को वैक्सीन लगने तक और उसके बाद भी सावधान रहना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपकी एक लापरवाही न सिर्फ आप पर बल्कि देश के भविष्य पर भी भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। द शो मस्ट गो ऑन। पद्मश्री से सम्मानित देश के मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल का यही अंतिम संदेश था। डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना से जिंदगी की मुश्किल जंग हार गए। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर के अग्रवाल जिंदगी के अपने आखिरी दिनों में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों को लड़ने और जूझने का जज्बा सिखा रहे थे। डॉक्टर के अग्रवाल के निधन से देश ने और हम और आप क्या सीख सकते हैं, आपके लिए आज जानना जरूरी है। पिक्चर अभी बाकी है, द शो मस्ट गो ऑन। पद्मश्री से सम्मानित देश के मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल का ये अंतिम वीडियो संदेश था, जिसमें वो जाते जाते भी लोगों को कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ना सिखा गए। Why the show must go on? हमें इस क्राइसिस से बाहर लोगों को निकालना है, लोगों को निकालना है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपना ध्यान रख पाएंगे। डॉक्टर के अग्रवाल का कोविड 19 से निधन हो गया। वो लंबे समय से कोरोना वायरस से संक्रमित थे। उन्हें कोविड निमोनिया हुआ था, जिसके बाद वो देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स में भर्ती हुए। काफी समय तक वो वेंटिलेटर पर रहे, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी अस्पताल से ऑनलाइन मरीजों की परेशानियां सुनते रहे। नाक में ऑक्सीजन लगाकर वो कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों को अहम संदेश देते रहे। आप 100 पेशेंट को इकट्ठे बुलाइए, एक ही प्रकार के सिम्टम्स के, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, को उनको 15 मिनट में कंसल्टेशन देके भेज दीजिए। आप माइल्ड केसेस को इकट्ठे बुलाइए, कॉन्टेक्ट को इकट्ठे बुलाइए, लेकिन 1-to-1 कंसल्टेशन करने का समय चला गया है। हैरानी इस बात की है कि देश के सबसे बड़े अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, अच्छे डॉक्टरों की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, बावजूद इसके उन्हें बचाया नहीं जा सका। आश्चर्य ये भी है कि उन्हें वैक्सीन की 2 डोज भी लग चुकी थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर के अग्रवाल जिंदगी की जंग हार गए। द शो मस्ट गो ऑन। मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पे भी क्लासेस लेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे।
इसलिए हमारी आपसे विनती है कि कोरोना पर अगर आपको कोई भ्रम है तो वो भ्रम दूर कर लीजिए। कोरोना से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो आप खुद हैं। जितनी सावधानी बरतेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, वरना अच्छा इलाज मिलने पर भी जिंदगी बचने की गारंटी नहीं। ये बात डॉक्टर के अग्रवाल के निधन से देश जान चुका है। And as he said, the show must go on. तो लौटेंगे जल्द कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए Zee News।